क्या आप लोग कैंपा कोला के बारे में जानते हैं? हाँ, वही कैंपा कोला जो सलमान खान की पहली एडवर्टाइजमेंट थी, ये तो सबको पता होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसी ड्रिंक थी जो शुरू तो सरकार की वजह से हुई थी और बंद भी सरकार की वजह से हुई। चलिए पूरी स्टोरी बताते, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए 1949 में कोका कोला इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, जिसके बाद आपको हर छोटे से छोटे गाँव और कस्बे में कोका कोला मिल सकती थी। लेकिन उसके बाद इंडिया ने एक लॉ पास किया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 1977 में, जिसकी वजह से कोका कोला को अपने 60% शेयर इंडिया को देने होंगे। लेकिन कोका कोला ने अपने 60% शेयर देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसे इंडिया छोड़ना पड़ा। और कोका कोला के जाने के बाद ही इंडिया में कैंपा कोला लॉन्च हुई, क्योंकि उसके जाने के बाद सिर्फ थम्स अप एक लौती ड्रिंक थी मार्केट में, जिसकी वजह से कैंपा कोला काफी पॉपुलर हुई मार्केट में। लेकिन 1992 में फिर से कुछ हुआ। लेकिन 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर देगी, ताकि फॉरेन कंपनीज भी इंडिया के अंदर आ सके। जिसके बाद कोका कोला और पेप्सी दोनों मार्केट में आई और कैंपा कोला उनसे कम्पीट नहीं कर पाई। लेकिन कहानी अभी भी यही नहीं खत्म होती। कुछ टाइम पहले एक पॉजिटिव न्यूज भी हमें सुनने को मिली है कैंपा कोला को लेकर, और वो न्यूज है कैंपा कोला रिलायंस द्वारा एक्वायर कर ली गई है और उन्होंने इंडियन मार्केट में इसे बेचना भी शुरू कर दिया है। अब आप लोगों की क्या राय है कि कैंपा कोला पेप्सी और कोक को हरा पाएगा, और आप लोगों को इन तीनों में से कौन सी ड्रिंक अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।